मेरा नाम प्रकाश कुमार तिवारी है, पटना बिहार से आया हूँ, ASK कंपनी में जॉब करता हूँ। हमारे राइट आंख का पर्दा जो है उखड़ गया है, किसी प्रकार का मुझे चोट नहीं लगा था, अपने आप उखड़ गया है। मैं राहुल सर का वीडियो देखा, यहाँ देखा कि काफी पेशेंट सही हो रहे हैं। परसों आया, राहुल सर से मिला, उन्होंने बोले कि आप आओ, ऑपरेशन होगा, उसके बाद सही हो जाए, पर्दा हम अपने सेट कर देंगे आपका। फिर डॉक्टर आशीष सर से मिले, आशीष सर ने चेकअप किया, चेकअप करने के बाद बताया कि का पर्दा उखड़ गया है, बकल ऑपरेशन होगा, बकल ऑपरेशन के बाद आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए दोनों आंखों का जो पर्दा है ना आपका डिटैच हो गया है। जो राइट वाली आंख है उसमें तो जो देखने वाली फाइन विजन होती है हमारी, बिल्कुल जिसको फोविया बोलते हैं, वहां तक पहुंच गई है डिटैचमेंट, तो उसकी तो सर्जरी थोड़ी अर्जेंट करेंगे। दूसरी आंख के अंदर भी पर्दा डिटैच्ड है, बट वो देखने वाली जगह से अभी काफी दूर है और नीचे वाले हिस्से से ही डिटैचमेंट है। ठीक है, तो इवेंचुअली तो दूसरी आंख में भी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट अभी आज हम राइट आई के करेंगे स्क्लेरल बकलिंग सर्जरी। ठीक है, बक्कल लगा के फ्लूइड को ड्रेन करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कैसा होता है, जो भी इसमें रिकवरी होनी है वो आपको मैंने पहले भी बताया है ना, वो धीरे धीरे होगी विद टाइम, बट इवेंचुअली हो जाएगा। ठीक ठीक है जी, चलो देखते हैं आज करते हैं। हम अचानक एक दिन एक आंख बंद किए तो हमको धुंधला टाइप का हल्का दिखा, तो मैं बोला किसको चेक कराऊंगा, क्या आंख में लगता है कोई प्रॉब्लम हो गया है। मैं पटना में संजीवनी हॉस्पिटल में चेक कराया था, वहाँ पर मुझे पता चला कि मेरा पर्दा आंख का उखड़ गया राइट साइड का। मेरे को विश्वास है कि यहाँ पे जल्द में ठीक हो जाऊंगा। हाय, आई एम डॉक्टर आशीष मार्कन, कंसल्टेंट विट्रोरेटिना एंड यूविया स्पेशलिस्ट एट I7 हॉस्पिटल्स। जो ये पेशेंट है इज अ यंग पेशेंट, तो एग्जामिनेशन पे हमने देखा है कि इनको इन्फीरियर रेटिनल डिटैचमेंट है और इन्फीरियरली लैटिस है और उसमें होल्स हैं। राइट आई के अंदर जो इनका डिटैचमेंट है वो फोविया तक पहुंच चुका है, मतलब कि उसमें अभी फोवियल डिटैचमेंट हो गई है, इनकी विजन अचानक से कम हो गई है। तो हम आपको इसमें शैंडिलियर असिस्टेड स्क्लेरल बकलिंग कैसे की जाती है उसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। शैंडिलियर असिस्टेड का मतलब है कि हमारे पास एक 25G की लाइट है, उसको हम आई के अंदर कनेक्ट करके विजुलाइजेशन के अंदर क्रायोथेरेपी करेंगे और फ्लूइड को ड्रेन करेंगे और बक्कल लगाएंगे। तो ये एक्सटर्नल प्रोसीजर है बेसिकली, और बक्कल से ही रेटना अगर अटैच हो जाता है तो उससे बेटर कुछ नहीं है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप आपको हम सारा एक्सप्लेन करते हैं कि एक शैंडिलियर असिस्टेड स्क्लेरल बकलिंग कैसे करते हैं। तो इसमें हम अभी लिमिटेड पेरिटोमी करेंगे, सिर्फ इन्फीरियर पेरिटोमी। पेरिटोमी का मतलब है कि जो हम एक इसके आँख के ऊपर की वाइट वाले पार्ट की लेयर है, एक जिसको कंजक्टिवा बोलते हैं, उसको ओपन अप करना है। तो कंजक्टिवा के नीचे एक टिश्यू होता है टीनोन्स का, तो उस टीनोन्स टिश्यू को पहले डायसेक्ट करेंगे यूजिंग दिस टीनोटमी सीजर, ताकि जो हमारा एक्सपोजर है सर्जिकल फील्ड का वो एडिक्यूटली हमें अचीव हो जाए। तो अभी जिस टिश्यू को मैंने होल्ड कर रखा है, ये बेसिकली मसल्स हैं आई के, इनको रेक्टाई मसल बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रही है, दिस इज द शैंडिलियर लाइट, ये हमें आंख के अंदर विजुलाइज करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली जहाँ से भी रेटिना की डिटैचमेंट हुई है, जहाँ पे भी रेटिना में ब्रेक्स बने हैं, उसको हम क्रायोथेरेपी करेंगे। क्रायोथेरेपी बेसिकली एक तरह की कोल्ड थेरेपी है जो हमें हेल्प करता है ब्रेक्स को, कोई भी रेटिनल होल्स को सील करने में। तो ये लैटिस है हमारा, और हमें ये शैंडिलियर लाइट के थ्रू दिख रहा है इसमें मल्टीपल होल्स हैं। अभी हम इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करिए सिस्टर। और डालो। अभी हमारा क्रायोथेरेपी कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप है टू पुट बक्कल सूचर्स। जो हमने बकलिंग सर्जरी करनी है बेसिकली रेटिना को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए हम बक्कल सूचर्स लगाएंगे इसमें। तो ये 50 एथीबॉन्ड सूचर है, इससे हम बक्कल सूचर्स बेसिकली पास करेंगे ये वाइट पार्ट ऑफ द आई में, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं। तो अभी हमने नीचे वाले क्वाड्रेंट में, जिसको इन्फीरियर क्वाड्रेंट में, बेसिकली हमने 4 बक्कल सूचर्स लगा दिए हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। ये हमारा सिलिकॉन टायर है जिसको हम स्क्लेरल बक्कल बोलते हैं, इसी को बेसिकली हमने प्लेस करना है इधर, जो रेटिना को सपोर्ट करेगा। तो इसमें हम सेगमेंटल बकलिंग कर रहे हैं, वील बी पुटिंग 180 डिग्रीज ऑफ सेगमेंटल बकल। तो अभी हमने बकल को पास कर दिया है बकल सूचर्स के नीचे से, नाउ वी विल बी ड्रेनिंग द सब रेटिनल फ्लूड। तो जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट है, जो सब रेटिनल फ्लूड है जिसने रेटिनल डिटैचमेंट कॉज किया, उसका एक्सटर्नल ड्रेनेज करेंगे। 26 गेज नीडल ले लो प्लंजर निकाल के। ठीक है, दिख रहा है इंटीरियर फ्लूड जो है वो ड्रेन हो गया है। ठीक है, तो बक्कल के ऊपर जो आना शुरू हो गया, पूरा कंप्लीट ड्रेनेज नहीं चाहिए हमें ना। तो अभी हमने एक एक करके सारे बक्कल सूचर्स, जो 4 बक्कल सूचर्स लगाए थे, उनको हमने टाई कर दिया है।
और बक्कल सूचर्स को टाई कर दिया, वी कैन सी कि यहाँ पे हमें बक्कल का इंडेंट दिख रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द सर्जरी, कि हमारा जो ब्रेक और बक्कल का रिलेशन है वो एडिक्यूएट रहे। सो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ द सर्जरी। अभी हम जो अपना शेंडिलियर लाइट पोर्ट है उसको क्लोज करेंगे 70 सूचर से, बक्कल सूचर्स को ट्रिम करके बरी कर देंगे पोस्टीरियरली, एंड देन जो ये हमने पेरिटोमी करी थी इसको क्लोज करेंगे यूजिंग 70 वाइक्रिल सूचर। फाइनली अब हम पेरिटोमी को क्लोज कर रहे हैं यूजिंग 70 वाइक्रिल सूचर्स। हाथ नीचे रखने। सो दिस इज द एंड ऑफ द सर्जरी। तो अभी हमने आपको आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है कि एक रेटिनल डिटैचमेंट केस में यंग पेशेंट के अंदर सेगमेंटल स्क्लेरल बकलिंग शेंडिलियर असिस्टेड कैसे की जाती है। तो इस पेशेंट को हम अब कल देखेंगे एक बार, और उसके बाद फिर रूटीन इसको पोस्ट ऑप देंगे, एंड होपफुली ही विल रिकवर वेल। थैंक यू। ठीक रहा कल, उल्टी वगैरह तो नहीं आई? नहीं, उल्टी नहीं हो रहा सर, आँख जो है ना खुल नहीं रहा। अभी कोई ना, आगे आ जाओ, वो तो अभी बक्कल लगाया ना, वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। हफ्ता लगेगा, हफ्ता 10 दिन। नीचे देखो, ठीक है, देखो पर्दा तो जुड़ गया है, ठीक है। जो देखने वाली जगह डिटैच हुई थी वो तो उतना पानी तो चला गया। इधर देखो, बाकी अभी ऐसे लेके चलो कि 5-10% बचा है वो भी अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा आने वाले दिनों में ना। जैसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा जो डिटैचमेंट थी वो सारी की सारी अभी अपने आप पर्दा जुड़ गया, बाकी नज़र जो है वो धीरे धीरे बननी स्टार्ट होगी, 3-4 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, वो चश्मे का नंबर वगैरह देंगे उससे सेट हो जाएगा, धीरे धीरे आँख भी खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं ड्रॉप्स वगैरह लिख रहा हूँ, खाने वाली गोली दे रहा हूँ सूजन के लिए। लिखा बता दो। हाँ, एक ड्रॉप एक दवाई और ऐड कर रहा हूँ साथ में ना, खाने वाली वो साथ में खाओ। एक हफ्ते बाद मैं दोबारा देखूंगा। सर ये खोल रहा हूँ, ताकत के साथ खोलना पड़ता है। हाँ कुछ नहीं, जितनी खुल रही है उतनी खोलो, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी अगर बार बार आँख से पानी वगैरह आ रहा है तो वो ऑक्यू वाइप्स ले लो या कॉटन वगैरह से साफ करके उसको फेंक के फिर नया फ्रेश ले लेना है, ठीक है। गंदे बार बार एक ही रुमाल या एक ही कपड़े से नहीं साफ करनी है, ठीक है। या कॉटन को उबाल लो पानी के अंदर, ठीक है, उससे साफ कर लिया करो। थोड़ी थोड़ी ये रहेगी अभी हफ्ता 10 दिन ना, बट धीरे धीरे खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। आ जाओ प्रकाश, इधर बैठो, चश्मा उतार लो, आगे आ जाओ। 2 हफ्ते हो गए ना? जी, 8-5 तारीख हुआ था। ठीक है, पर्दा तो जुड़ गया बिल्कुल पूरा ना। इधर देखिए, पर देखो पर्दा फर्स्ट क्लास आपका जुड़ गया है, ठीक है। खोलो दूसरी आँख, खोलो सीधा, देखो नीचे, देखो नीचे, ठीक है। इसमें भी है डिटैचमेंट, इसका भी रुक के करते हैं पहले ये आँख सेट हो जाए, एटलीस्ट 3 हफ्ते बाद इसका प्लान करेंगे जब भी करना। ठीक है सर, ठीक है। तो मेरे को अब 3 हफ्ते बाद दिखा देना एक बार। कितने तारीख आ जाऊँगा? तारीख मैं आपको डाल देता हूँ, ठीक है, 3 हफ्ते बाद की तारीख डालता हूँ। वैसे बढ़िया हो गया, पर्दा जुड़ गया आपका, बढ़िया। ऊपर देखो, नीचे देखो, नीचे, इधर ऑलमोस्ट 90% जुड़ चुका है, ठीक है। बाकी का जो थोड़ा सा है फ्लूइड वो अपने आप धीरे धीरे ना 1-2 हफ्ते में अब्सॉर्ब हो जाएगा प्रॉपर। अभी ये चश्मे का टेस्ट कराया, इससे राइट वाली आँख में तो नज़र आपकी 6x18 हो गई है, पहले जो नज़र थी इसमें सिर्फ 2 मीटर थी, ठीक है। अभी चश्मे के साथ आपको बोर्ड के एटलीस्ट पहले 4 लाइनें पढ़ पा रहे हो, तो अच्छी बात है। और दूसरी आंख में तो 6x6 है ही है, जैसे बताई दवाई बताएंगे ना बिल्कुल वैसे ही डालनी है आपने, ठीक है सर। परफेक्ट हो गया है, ठीक है जी। मेरा नज़र काफ़ी पहले से बेहतर हुआ है, अच्छा दिख रहा है। पहले मेरे को पर्दा उखड़ने के बाद कुछ भी नहीं दिखता था, सिर्फ उंगली ही मैं देख पाता था। काफ़ी मैं पढ़ लिख पा रहा हूँ, अभी काम भी कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब जो पेशेंट टाइम ऑपरेशन के बाद में है, जो आपका विजन है जी, वो रीड करेंगे सामने आप। 0-4 बहुत अच्छा। 5-3 है, वेरी गुड। इसमें कुछ आ रहा नहीं है? इसमें है 7 है, 7, वेरी गुड। 7-2 है, वेरी गुड। पहले आपका फिंगर काउंटिंग था, ये जी कितनी दूरी से? 2 यहाँ से था, ठीक है जी। और जो आपका प्रेजेंट टाइम का विजन है जी, वो आपका यहाँ तक जाता है, ठीक है? ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? नहीं सर, ठीक दिख रहा है जी। डॉक्टर आशीष मारकन बहुत अच्छे मतलब सर्जर हैं, मेरा आँख का ऑपरेशन कर दिए जिससे मेरे को अच्छा बहुत क्लियर दिख रहा है अब, पहले नहीं दिखता था, मेरे को अच्छा जिंदगी मिला है।